पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और करीब 600 ग्राम आधा किलो से ज़्यादा सूखा चरस और 50 पुड़िया चरस, एक और चरस बरामद, नशीला पदार्थ बरामद की गई है। और इन्हें ये पूर्व में जामू बाजार में जनार्दन प्रसाद जी का हत्या हुई थी, जिन इनके द्वारा की गई थी। इसके बाद जीवी नगर थाना क्षेत्र के भरत शाह किराना दुकान पे दिसंबर 23 की घटना है, जो रंगदारी मांग की गई। उस रंगदारी के तहत इन 10 फायर दिन दहाड़े 10 फायर इस अपराधी के द्वारा किया गया था। इसके बाद अपराधकर्मी रईस खान के गाड़ी पर भी ये लोग अत्याधुनिक हथियार से फायर किए थे, जो ये स्वीकार भी किए हैं और उस केस में वांछित भी हैं। तो यह 21 केस में जघन्य, जिसमें हत्या का 5 केस। बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी, अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM City। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूँ चंदन। सिवान जिले का नामी और कुख्यात इनामी अपराधी गोलू सिंह उर्फ अंशु सिंह को पुलिस ने नेपाल के सीमावर्ती इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बताते चले कि STF और DIU की बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें गोलू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र से गोलू सिंह पर दर्जनों आपराधिक मामले कई अलग अलग थानों में दर्ज हैं। दरअसल आपको बताते चले कि गोलू सिंह कई वर्षों से फरार चल रहा था कई मामले में, और इस पर कई कुछ लोगों पर गोलीबारी करने की भी इस पर आरोप है। और बताते चले कि ये जीबी नगर थाना इलाके के माधोपुर गांव के चंद्रशेखर सिंह का पुत्र है, 32 साल का गोलू सिंह उर्फ अंशु सिंह। और इससे लगा कि कहीं ना कहीं अपराध जगत में एक बादशाह बने और उसके बाद से ताबड़तोड़ घटना को अंजाम देने लगा। पुलिस ने कई तरह का जाल बिछाया, लेकिन नहीं, पुलिस के हत्थे चढ़ रहा था, लेकिन नेपाल के सीमावर्ती इलाके से इसकी गिरफ्तारी हो गई, जिसमें STF और DIU की बड़ी कार्रवाई हुई है। बताते चले कि आज इस पूरे मामले पर SDPO अजय कुमार सिंह ने जीबी नगर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे मामले की जानकारी दी। कुल आपको बता दें कि गोलू सिंह जो अंशु सिंह है उस पर 21 कांड दर्ज हैं और ये इनामी अपराधी था। कई वर्षों से इसकी तलाश चल रही थी, जीबी नगर थाना इलाके का है, और इसकी गिरफ्तारी के बाद से इसके पास से एक पिस्टल, दो जिंदा गोली, 50 पुड़िया स्मैक और 4 पुड़िया चरस सहित दो मोबाइल भी जब्त किया गया है। फिलहाल इसको सिवान जेल में भेज दिया गया है। और भी बहुत सारी घटनाएं जो हुई है उसमें पुलिस इससे आगे पूछताछ भी रिमांड पर लेकर कर सकती है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से गोलू सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है, कुख्यात अपराधी है, सिवान जिले के माधोपुर का रहने वाला है, जो जीबी नगर थाना इलाके में आता है, नेपाल के सीमावर्ती इलाके से इसकी गिरफ्तारी हुई है। 2 लाख का इनामी अपराधी था गोलू सिंह। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान। दिनांक 15/8/24 को गुप्त सूचना के आधार पर बिहार STF की टीम और सिवान DIU की टीम और स्थानीय थाना के पदाधिकारी अवलिक पुलिस बल के द्वारा
यहाँ जीबी नगर थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराधकर्मी जिन पर करीब 21 कांड दर्ज हैं, और भी कांड हो सकते हैं जिन्हें अन्य अगल बगल के जिला और इससे पता कराया जा रहा है, इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर जीबी नगर थाना में पदाधिकारी और टीम के द्वारा लाया गया, जिनके द्वारा अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में अपराध को कबूल करते हुए इनके द्वारा बताया गया कि पूर्व के अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार, अवैध हथियार घर पर ये छुपा के रखे हुए हैं, जिसके आधार पर रात्रि में छापामारी की गई पुलिस बल के द्वारा, जहां से एक देसी पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और करीब 600 ग्राम आधा किलो से ज़्यादा सूखा चरस और 50 पुड़िया चरस, एक और चरस बरामद, नशीला पदार्थ बरामद की गई है। और इन्हें ये आपको मालूम होगा पूर्व में जामू बाज़ार में जनार्दन प्रसाद जी का हत्या हुई थी, जिन इनके द्वारा की गई थी। इसके बाद जीबी नगर थाना क्षेत्र के भरत शाह किराना दुकान पे दिसंबर 23 की घटना है, जो रंगदारी मांग की गई 30 लाख रुपया, और उस रंगदारी के तहत इन 10 फायर, दिन दहाड़े 10 फायर इस अपराधी के द्वारा किया गया था। इसके बाद अपराधकर्मी रईस खान के गाड़ी पर भी ये लोग अत्याधुनिक हथियार से फायर किए थे, जो ये स्वीकार भी किए हैं और उस केस में वांछित भी हैं। तो यह 21 केस में जघन्य, जिसमें हत्या का 5 केस है, रंगदारी का केस है, बक्सर का भी रंगदारी का केस है, गिरफ्तार किया गया। अच्छा, कहाँ से सर गिरफ्तारी हुई है सर? ये बिहार और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। सर कब गिरफ्तारी हुई सर? 15/8/24 को। सर क्या क्या बरामद हुआ सर? बरामद अभी बताए और आपको प्रेस विज्ञप्ति में भी दे रहे हैं, एक देसी पिस्टल है और करीब 500 आधा किलो से ज़्यादा चरस है, नशीला पदार्थ। दर्ज है सर 21 केस इन पर दर्ज है, जो बक्सर जिला से लेके सिवान में जामू बाज़ार में हत्या का केस है, उसके बाद फिर महाराजगंज में डबल हत्या का केस है, यहाँ रंगदारी का केस है, 21 केस है जो लिस्ट आपको दी जा रही है। कौन से कांड में सर जेल भेजा जा रहा है सर? पूर्व 21 जिसमें 12 कांड में ये वांछित है, तो अभी जो पुराने केस है उसमें उनको जेल भेजा जा रहा है। अब गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो चले आए सिवान में, खुल गया है AS हेयर फिक्सिंग, जहां सिर्फ 2 घंटे में गंजेपन से मिलेगा छुटकारा और दिखने लगेंगे स्मार्ट। हमारा पता है चर्म रोग डॉक्टर अबुजर हुसैन के क्लिनिक के ऊपर सिसवन ढाला के नजदीक सिवान। मोबाइल नंबर है 7091777959। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली, लखीचंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखीचंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है, हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखीचंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान। प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर आंध्र ढाला सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। अ टीम ऑफ एक्सपीरियंस क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर्स, ऑल कैंपस CCTV कैमराज, कंप्यूटर लैब एंड स्मार्ट क्लासेस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, म्यूजिक, पेंटिंग, योगा एंड मार्शल आर्ट क्लासेस। जल्द ही नामांकन कराए प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक।